तो हम चाहते हैं अपने सीट के अंदर में कि जो नंबर्स हैं इस नंबर को कोई भी छेड़छाड़ ना कर सके, हमारे डेटा को देख पाए बट कोई भी छेड़छाड़ ना कर पाए। तो जाहिर सी बात है हम सीट के ऊपर जाएंगे, राइट क्लिक करेंगे, प्रोटेक्ट शीट करेंगे एंड प्रोटेक्ट शीट में हम यहाँ अपनी पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड को कन्फर्म करेंगे। ध्यान रहे पासवर्ड को कन्फर्म करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सिंपल लिखा हुआ है कि इफ़ लॉस्ट एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो अगर आप डालते हैं तो ये पासवर्ड आपका रिकवर नहीं होगा। सो पासवर्ड उसी हिसाब से डालें क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट आपको पासवर्ड रिकवर करके नहीं देगा। ओके कीजिए। अब सीट के अंदर हम कहीं भी किसी भी तरह का चेंजिंग नहीं कर सकते, कहीं भी कुछ टाइप नहीं कर सकते, किसी को डिलीट नहीं कर सकते, पर हम सिलेक्शन करके कॉपी कर सकते हैं और कॉपी करके हम किसी दूसरे शीट या तीसरे शीट पे आराम से पेस्ट कर सकते हैं। सो नाउ हम चाहते हैं कि कोई भी पर्सन हमारे डेटा के साथ किसी भी तरह का छेड़छाड़ ना कर सके, कोई भी पर्सन डेटा के साथ हमारा छेड़छाड़ ना कर सके। तो अब जो कॉपी करके जो पेस्ट का पार्ट है, ये पेस्ट का पार्ट या कॉपी पेस्ट का पार्ट एक्सेल का नहीं है, ये है आपका अलग एक है फीचर्स जो विंडो का है, क्लिपबोर्ड उसका है, तो ये विंडो का पार्ट है। तो कॉपी को डिसेबल नहीं की जा सकती, लेकिन कॉपी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत क्या पड़ती है, कॉपी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है सिलेक्शन की, कि बगैर सिलेक्शन किए हुए कॉपी नहीं कर सकते। तो हम जब हम पासवर्ड डालते हैं, पहले अनप्रोटेक्ट करता हूँ सीट को, फिर ओके करता हूँ, वापस मैं इसको प्रोटेक्ट करता हूँ और जहाँ मुझे पासवर्ड डालना है, मान लीजिए कहीं पासवर्ड डालना है, तो पासवर्ड डालने से पहले आप यहाँ देखिए ऑप्शन आ रहा है सिलेक्ट लॉक सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक सेल। देखिए चेकबॉक्स क्या है पर इसके बारे में जान लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है कि अलाउ यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, अलाउ ऑल यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, मतलब कि आफ्टर द प्रोटेक्शन यूजर क्या क्या कर सकता है, सिस्टम को प्रोटेक्ट करने के बाद हम क्या क्या कर सकते हैं इसका यहाँ पे दिया हुआ है। जैसे मैं यहाँ फॉर्मेट सेल पे क्लिक कर दूँ, अब मैं पासवर्ड डालने के बाद फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ, डेटा चेंज तो नहीं कर सकता बट फॉर्मेटिंग कर सकता हूँ। उसी तरीके से यहाँ पे इंसर्ट रो डिलीट रो, जिस भी चेकबॉक्स पे क्लिक करेंगे पासवर्ड डालने के बाद वो फीचर अनेबल रहेगा। तो मैं इस फीचर को यहाँ से हटा देता हूँ और इसको भी हटा देता हूँ सिलेक्शन का। तब क्या होगा, मैं पासवर्ड तो डाल रहा हूँ लेकिन सिलेक्शन की फीचर्स को रिमूव करके, मैं पासवर्ड डाल रहा हूँ बट सिलेक्शन के फीचर्स को रिमूव करके, देन ओके किया। अब मैं देखिए कहीं पे क्लिक नहीं कर रहा, अब क्लिक नहीं करूँगा तो कोई अगर कॉपी कंट्रोल सी प्रेस भी कर देता है तो एक सिंगल सेल आपका कॉपी हो रहा है जो कि एक्टिव सेल था आपका, ब्लैंक सेल पेस्ट हो रहा है, तो कहीं भी हम सिलेक्ट नहीं कर रहे। तो अंकित जी, रामजीत पांडे जी एंड सिमरन जी, समझ में आया है वो फीचर्स? अब आगे टॉपिक को बढ़ते हैं, हम बात करेंगे किसी भी एक पर्टिकुलर एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर। जैसे मैं चाहता हूं कि मैं सीट पे कहीं भी कोई चेंज करूं तो मुझे चेंज ना करने दिया जाए, लेकिन इस कलर एरिया पे मैं अगर कुछ टाइप करूं तो मैं टाइप कर सकूं। तो इसके लिए जब प्रोटेक्ट शीट करते हैं वहां पे आपको देखना होगा, प्रोटेक्ट शीट में यहाँ लिखा हुआ है कि प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, वर्कशीट प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल, ठीक है। तो इसमें इससे क्लियर समझ में आता है कि जो लॉक्ड सेल है उसी को प्रोटेक्ट करेगा, अनलॉक सेल को प्रोटेक्ट नहीं करेगा। समझ गए?
तो ए लॉक्ड अनलॉक क्या होता है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं। जैसे राइट क्लिक करके मैं अगर फॉर्मेट सेल पे जाता हूँ, फॉर्मेट सेल के इस प्रोटेक्शन वाले टैब पे आता हूँ, फॉर्मेट सेल के इस प्रोटेक्शन वाले टैब में आता हूँ, तो देखिए इस लॉक्ड पे क्लिक है, लॉक पे क्लिक है मतलब क्या है, ये प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। लॉक्ड पे क्लिक है इसका मतलब कि हम ये जो है प्रोटेक्शन को सपोर्ट कर रहा है। अनलॉक कर देंगे तो प्रोटेक्शन को सपोर्ट नहीं करेंगे, अनलॉक सेल हो जाएगा तो जो जो अनलॉक्ड होगा जिस पे लॉक्ड क्लिक नहीं होगा उस पे पासवर्ड डालने के बाद भी हम टाइपिंग कर सकते हैं, उसमें हम पासवर्ड डालने के बाद भी टाइपिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो हमने क्या किया कि इस कलर्ड एरिया को सिलेक्ट किया, राइट क्लिक, फॉर्मेट सेल, और इस पे मैंने लॉक्ड को हटा दिया। हमने क्या किया, लॉक्ड को यहां से अनचेक कर दिया, देन ओके। उसके बाद इस पे राइट क्लिक किया, प्रोटेक्ट शीट, पासवर्ड डाला, देन ओके, पासवर्ड को कंफर्म किया, देन। अब देखिए मैं यहाँ पे कुछ भी नहीं कर पा रहा हूँ, बट यहाँ पे हम टाइप कर पा रहे हैं। अब इसका उल्टा करना चाहे, जैसे मैं चाहता हूँ कि एक पर्टिकुलर एरिया हमारा प्रोटेक्शन में ही रहे, बाकी एरिया प्रोटेक्शन से बाहर है, उल्टा बिल्कुल, कि कलर एरिया पे कुछ भी टाइप ना करूँ, बाकी कहीं भी टाइप करूँ, तो अब मैं वन और ए के बीच में सेलेक्ट करूंगा, राइट क्लिक करूंगा, फॉर्मेट सेल पे जाऊंगा और इसको अनलॉक कर दूंगा। अब क्या होगा कि अब पासवर्ड डालने के बाद पूरे शीट पे कहीं भी टाइप कर सकते, इस रेड एरिया पे भी, लेकिन मैं इस रेड एरिया को प्रोटेक्ट करने से पहले इसके अंदर लॉक्ड सेल पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं राइट क्लिक करके फॉर्मेट शीट पे जाता हूँ और ओके कर देता हूँ पासवर्ड डाल के। अब यहाँ पे मैं टाइप कर सकता हूँ, यहाँ कर सकता हूँ, बट यहाँ नहीं कर सकता। तो किसी भी एरिया को प्रोटेक्शन से बाहर या अंदर रखना उसके लिए लॉक्ड और अनलॉक शीट का काम होता है। समझ में आ गई सर आपको? अंकित जी कोई डाउट इसमें? लेकिन इसमें बात होती है कि इसका बेनिफिट क्या है, चलिए इसका बेनिफिट देखते हैं। नेम, क्वांटिटी, एमआरपी, अमाउंट, कमीशन, यहाँ पे जीएसटी, कमीशन, डेट एंड टाइम। मैंने क्या किया, अमाउंट को मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, जीएसटी को यहाँ पे 18%, कमीशंस इसका 2% एंड टोटल आ गया। तो इसको सिलेक्ट करके हम नीचे की तरफ ले जाते हैं। अब यहाँ पे नेम, पूजा, क्वांटिटी हमने दे दिया, एमआरपी दे दिया, और जैसे हम टैब मारेंगे ये देखिए आपके सामने, और यहाँ पे डेट एंड टाइम। तो अब क्या होता है कि हम जो टाइप करते हैं, यहाँ कुछ भी टाइप करके जब टैब मारते हैं तो हमें यहाँ से यहाँ तक रिमूव करना होता है चार सेल, ठीक है, चार सेल को हमें मूव करना होता है। समझे? तो मैं चाहता हूं कि मेरा कर्सर यहां से डायरेक्ट जंप होके यहां पे जाए,
तो हम पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल पे आते हैं, और यहां से लॉक्ड को अनचेक कर देते हैं, फिर राइट क्लिक करते हैं फॉर्मेट सेल, इस पे हम लॉक्ड को वापस लगा देते हैं। देखिए दोबारा देखिए, सबसे पहले पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे फॉर्मेट सेल, जो मैंने अभी इससे पहले किया है ना सर, इसको जो किया है सेम प्रोसीजर अपनाएंगे कि पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल पे जाएंगे, लॉक्ड को अनचेक कर दें, फिर इन तीन एरिया पे आएंगे और राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल, इस पर लॉक लगा दें। ओके, और यहां हम राइट क्लिक करेंगे प्रोटेक्ट शीट, और प्रोटेक्ट शीट पे हम यहां सिलेक्ट लॉक सेल अनचेक कर देंगे। लॉक सेल मतलब कि डी ई एफ जी को अनचेक कर दिया, ठीक है। ओके करते हैं। अब देखिए कुछ टाइप करना है, मान लीजिए मैं टाइप किया मोहन, तो यहां आ गया मोहन, टाइप किया 35, ये किया, और जैसे ही मैं टैब प्रेस किया, देख रहे कर्सर एक बार में जंप कर गया, जस्ट हमने टैब प्रेस किया और कर्सर जंप कर गया। तो अब यहां पे मुझे टाइप करने के लिए हर एक सेल पे जाने की जरूरत नहीं है। अगर इसको दूसरे एग्जांपल में समझे, तो जैसे कि यहां नेम है, यहां पे सिटी है, और यहां पे मार्क्स, कंट्रोल प्रेस करके इन तीनों को सिलेक्ट कर लिया, राइट क्लिक फॉर्मेट सेल, और इसकी लॉक को हटा दिया, और फिर राइट क्लिक किया प्रोटेक्ट सीट, और इस पे सिलेक्ट लॉक सिलेक्ट अनलॉक सेल को अनचेक करके मैं ओके किया। अब मैं यहां कोई भी टाइप करूं, इसे पूजा एंटर प्रेस किया, कर्सर यहां आ गया, ठीक है, समझ में आ गया आपको ये? चलिए अब हम बात करते हैं अगली एग्जाम्पल की तरफ। मैं चाहता हूँ कि एक ही सीट में दो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड डालना, जी हाँ, एक ही सीट में दो डिफरेंट डिफरेंट पासवर्ड। तो मेरे पास मिस्टर ए का एरिया है और मिस्टर बी का एरिया है, तो मास्टर मैं चाहता हूँ कि मिस्टर ए मिस्टर बी के डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके, और मिस्टर बी मिस्टर ए के डेटा के पीछे छेड़छाड़ ना कर सके। ओके, तो इस केस में क्या करेंगे, हम जाएंगे रिव्यू के अंदर, रिव्यू में
यहाँ आता है अलाउ एडिट रेंज। इस अलाउ एडिट रेंज पे क्लिक करेंगे, न्यू पे जाएंगे और यहाँ रिनेम कर दीजिए जो करना है। फिर मिस्टर यहाँ पे आते हैं, मिस्टर ए का एरिया सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम देते हैं अपना टाइप, पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड कंफर्म करते हैं। फिर वापस यहाँ मिस्टर बी के लिए सिलेक्ट करते हैं, यहाँ पे मिस्टर बी का एरिया सिलेक्ट करते हैं और यहाँ पे हम पासवर्ड डालते हैं, ओके, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं, अप्लाई कीजिए, देन ओके, राइट क्लिक करते हैं टैग शीट और इस पे अपना पासवर्ड डाल देते हैं। इसमें तीन पासवर्ड लगा, एक सीट का पासवर्ड, मिस्टर ए का पासवर्ड, मिस्टर बी का पासवर्ड। अब मैं जैसे मिस्टर ए का पासवर्ड पे छेड़छाड़ करूंगा तो यहां मुझसे पूछेगा पासवर्ड, ठीक है। जैसे मैं पासवर्ड डाल दिया तो मैं मिस्टर ए पे काम कर सकता हूं, बाहर कहीं काम नहीं कर सकता, और जैसे मिस्टर बी के ऊपर काम करने जाऊंगा तो अगेन पासवर्ड पूछेगा, ठीक है। समझ में आ गया आपको। अब बात करते हैं सीट को पासवर्ड अपनाना। मैं चाहता हूँ कोई भी सीट, जैसे किसी भी कोई भी आके सीट को डिलीट कर देता है, मैं चाहता हूँ कोई भी डिलीट ना कर सके, तो यहाँ प्रोटेक्ट वर्कबुक रिव्यू के अंदर है, उसको अप्लाई कर दीजिए पासवर्ड डाल के। अब कोई भी सीट को डिलीट नहीं कर सकता, ठीक है, कोई भी सीट को डिलीट नहीं कर सकता। अब बात करते हैं फाइल की पासवर्ड की, फाइल के ऊपर हम कैसे पासवर्ड लगाएंगे। तो अगर फाइल बिल्कुल नई है, जब सेव या सेव एज कर रहे हैं तो उसके ब्राउज करते समय जो फाइल का नाम देते हैं उसी में देखिए यहाँ पे टूल्स दिखेगा, टूल्स में जनरल ऑप्शन, यहाँ पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई, पासवर्ड टू ओपन एंड पासवर्ड टू मॉडिफाई कर सकते। ठीक है, बिना पासवर्ड का ओपन नहीं होगा, अगर आपने ओपनिंग पासवर्ड डाला तो रीड ओनली में ओपन होगा, अगर आप मॉडिफाई पासवर्ड डालेंगे तो एडिट मोड में ओपन होगा। लेकिन इसके लिए फाइल सेव एज करनी पड़ेगी। लेकिन कभी कभी क्या होता है, हमारा पुराना फाइल है उसमें पासवर्ड डालना है, मैं नहीं चाहता फाइल को सेव एज करना, तो उसके लिए हम इन्फो में आते हैं, प्रोटेक्ट वर्कबुक में यहाँ इनक्रिप्ट विद पासवर्ड, इसको डालिए। इसमें डालने के बाद क्या होगा, एक ओपनिंग पासवर्ड डाल देगा, ठीक है। तो ये थी हमारी प्रोटेक्शन मेथड। आप लोगों के पास किसी तरह का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं।